हाय दोस्तों, आज जो मैं न्यू प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं दोस्तों, खंडेलवाल ग्रुप बिल्डर हैं, कोड नेम है फ्यूजन, और ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये बिल्कुल गोराई के नज़दीक है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये कितने माले की बिल्डिंग है, कितने विंग की सोसाइटी है, कहाँ लोकेटेड है, क्या आसपास की कनेक्टिविटी है, क्या आसपास की फैसिलिटीज़ है, और मैंने जो भी 10 से 15 सालों के एक्सपीरियंस में रियल एस्टेट फील्ड में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस का एक एक इन्वेस्टमेंट टिप्स मैं हर एक वीडियो में शेयर करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स भी शेयर करूँगा, उसके बाद किस टाइप की सर्विसेज होती है हमारी, जरिए मैं कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट करवाता हूँ। कभी कभी तो हमारे पास जो डिस्काउंट की प्रॉपर्टी आती है, ऑप्शन की प्रॉपर्टी, तो 30-40% पे आती है। ये सब सर्विसेज के जरिए हमारे कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को जो मैं बेनिफिट करवाता हूँ, वो भी सर्विसेज की बात करूंगा। उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। मैं विकास भरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास भरनवाल में। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या डिटेल है, क्या बन रहा है, कितने विंग की सोसाइटी है, क्या साइज है, क्या प्राइस है। फ्रेंड्स, ये मॉडल है, आप देख सकते हैं, खंडेलवाल, कोड नेम फ्यूजन। बहुत ही खूबसूरत मॉड्यूल है ये, 4 टावर हैं और चारों टावर के बीच में एमिनिटीज दिया हुआ है। 2 स्विमिंग पूल है इसमें, 4th फ्लोर पे। और ये इसका मेन एंट्रेंस है, और जो ये मॉड्यूल आपको दिखाया जा रहा है एज इट इज सेम आपको बन के मिलने वाला है। अभी ये पे मिले मैं आपको मॉड्यूल दिखा दूं, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं इसका सैंपल फ्लैट कैसा है, वो हम देखेंगे इसके बाद। अभी मैं आपको 2 BHK और 1 BHK, 2 टाइप की प्रॉपर्टी है, दोनों का मैं दिखाता हूं। ये इसका जो मैं दिखा रहा हूं, ये 1 BHK की प्रॉपर्टी है। ये इसका सैंपल फ्लैट है, एक्चुअली आपको सेम फ्लैट आएगा बट फर्नीचर नहीं आएगा। एंटर करते ही लिविंग डाइनिंग में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, एक बढ़िया स्पेस दिया हुआ है इसमें, बाथ एरिया, टॉयलेट एरिया, वॉश बेसिन सब कुछ। उसके बाद आपको किचन मिल जाता है, जो ओपन किचन का कंसेप्ट इन्होंने रखा है। आप चाहें तो इसको डोर भी लगा सकते हैं किचन में, एक वॉल डाल के। इसमें वॉशिंग मशीन का स्पेस इन्होंने प्लेटफॉर्म के नीचे ही दे दिया है। अभी चलते हैं इसका बेडरूम देखते हैं। वन बी एच के में इन्होंने मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, ये इसका मास्टर बेडरूम है। एंटर करते ही आपको फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। ये वॉशरूम के बाहर एक छोटा सा स्पेस है। इसमें भी सेम टॉयलेट एरिया, बाथ एरिया, वॉश बेसिन सब इन्होंने एक ही में कॉमन दे दिया है। ये बेडरूम है, ये बेडरूम में मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ कि वार्डरोब यानी कबर्ड और बेड रखने के बाद भी एक अच्छा चारों तरफ का आपको मोमेंट करने का स्पेस मिल जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको विंडो के साइड से सामने वार्डरोब जो बना हुआ है वो स्पेस दिखा रहा हूँ। और इस तरफ इसका स्टडी टेबल रखा हुआ है। ये मैं अंदर से व्यू दिखा रहा हूँ इस फ्लैट का। एक एक बार पूरा दिखाते हुए बाहर आ रहा हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसका 2 BHK किस टाइप का है। ये इसका 2 BHK की प्रॉपर्टी है, पूरा L शेप में इसका डाइनिंग और लिविंग एरिया को दिया हुआ है।
सामने जो आपने देखा ये लिविंग एरिया है और राइट हैंड साइड पे इसका डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे डाइनिंग टेबल का सेट इन्होंने रख रखा है कि एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप का ये फ्लैट रहेगा और इसमें किस तरह का इंटीरियर कर सकते हैं। ये इसमें किचन का इन्होंने थोड़ा अलग टाइप का बनाया है, सी टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया है, प्रॉपर स्पेस को यूज किया है, कहीं भी इन्होंने वेस्टेज नहीं दिया है। इतने कम प्राइस में इतना प्रॉपर 2 BHK बहुत रेयर प्रोजेक्ट में है। किचन में एंट्री करते ही आपको फ्रिज का स्पेस, वॉशिंग मशीन का स्पेस, सी टाइप में प्लेटफॉर्म, सब कुछ इन्होंने दे दिया है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम में भी सब कंबाइन किया हुआ है। बाथ एरिया, कमोड एरिया यानी टॉयलेट एरिया, वॉश बेसिन, किचन से फिर से जब बाहर निकलते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे बेडरूम मिल जाता है। और इसमें भी देखें तो बेड और कवर्ड रखने के बावजूद भी एक काफी बढ़िया स्पेस मिल जाता है पूरे बेडरूम में आपको मूवमेंट करने के लिए। मैंने आपको बेड के चारों तरफ से जगह दिखाया। मैं फिर से बाहर लेके चलता हूँ और अब मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप हॉल में अंदर की ओर जाते हैं आगे से राइट लेके, तब आपको ये बेडरूम मिलता है और ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको ये बेड के चारों तरफ का स्पेस, सीलिंग स्पेस, उसके बाद जस्ट डोर के बाजू में ही वार्डरोब का स्पेस है, वार्डरोब का स्पेस के बगल में ही आपको इसका वॉशरूम मिल रहा है मास्टर बेडरूम का। वॉशरूम भी एक प्रॉपर स्पेसियस बनाया है इन्होंने। और इनका प्लानिंग बहुत ही बढ़िया दिया है इन्होंने। ये मैं बेडरूम से बाहर निकलते हुए पूरा एक व्यू दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसका जो प्लॉट एरिया है, ये पूरा 2 एकड़ का प्लॉट एरिया है। फुल स्विंग काम चालू है बारिश में भी। आप देखें तो क्रेन, कंक्रीट मशीन सब कुछ लगा हुआ है। ये तो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया, डिटेल क्या है आइए जानते हैं। अब मैं प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं दोस्तों, खंडेलवाल ग्रुप बिल्डर है, कोड नेम इसका फ्यूजन है और न्यू लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट। प्राइस इसका काफ़ी बढ़िया है इसीलिए मैं इसका वीडियो बना भी रहा हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसका लैंड एरिया 2 एकड़ का है। G+22 स्टोरी टावर है, 4 विंग की पूरी सोसाइटी है ये। रेसिडेंस स्टार्ट हुआ है इसका 3rd फ्लोर से, ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर इसका पूरे पार्किंग एरिया है। एमिनिटीज इसका पोडियम पे है 3rd पे, पार्किंग ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 पोडियम पार्किंग है इसका। रेरा में अगर इसका डिटेल आप देखना चाहते हैं, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, बिकॉज वैसे तो हम लोग जो भी मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं, सारे प्रोजेक्ट जो टाइटल क्लियर होता है रेरा में रजिस्टर्ड होता है और कुछ मेन जो बैंक्स हैं वहाँ से उनका APF नंबर, APF यानी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर मिला होता है, तभी हम लोग उसको प्रमोशन करते हैं, बिकॉज क्लियर टाइटल प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी में ही हम काम करते हैं। तो इसका रेरा नंबर है P518000045675। इस रेरा नंबर के थ्रू आप जाके इसका पूरा प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। रेरा पोजीशन इसमें 2026 है, बट बिल्डर आपको 1 ईयर बिफोर 2025 में ही आपको ये पोजीशन दे देंगे। क्रिक व्यू, पेगोडा व्यू इसका फ्लैट का व्यू है, सिटी के साइड में भी व्यू है, आपका चॉइस है, आप जैसे आप ले सकते हैं। जितने भी फ्लैट्स हैं सारे जो फ्लैट वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, सभी बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, आप कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप समझें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना खरीद सकते हैं, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, जोड़ी या इनसे 4 फ्लैट खरीद सकते हैं।
हम लोग ये डिस्काउंट ऑफ़र और गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि 50-50, 100-100 फ्लैट, 200-200 फ्लैट हम लोग बेचते हैं एक एक प्रोजेक्ट में, जिसके कारण आप छोटे ब्रोकर छोटे सीपीज़ के साथ काम करें तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिलता है, हमें जो ऑफ़र मिलता है, वो आप कंपेयर करें तो बहुत रेयर सीपीज़ को मिलता है। आप हमारे थ्रू फ़ोन करें, हमारे थ्रू बुक करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट श्योर एंड शॉर्ट हम करवा के देंगे दोस्तों। कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहाँ उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके लिए काम ना करें वरना आपके जो फीस होंगे वो भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे दोस्तों। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी CP या डीलर नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में जिसको भी अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके ज़रूर जाएं। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद हम CP या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी दो टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रिसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है, दोनों टीम हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप अगर CPs के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पर आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। तो बिल्डर को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है क्योंकि बिल्डर 5,000, 1,000, 2,000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप ज़रूर किसी ना किसी को लेके जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहाँ पर चल रहा है। प्राइजिंग की बात करूं दोस्तों इस कंडेलवाल फ्यूज़न का, इसमें 1 BHK का कारपेट एरिया 409 यानी 409 स्क्वायर फुट का है, उसका एग्रीमेंट वैल्यू यानी फ्लैट कॉस्ट 77 लाख है और इसमें 1 BHK जोड़ी ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आपको 1 BHK जोड़ी लेना हो तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। 2 BHK की बात करूं तो लगभग 600 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है 2 BHK का और उसका एग्रीमेंट वैल्यू है 1,26,00,000 रुपया, 1.26 CR। हर एक प्रोजेक्ट में हमारा जो गिफ्ट वाउचर रहता है, आप हमारे चैनल के थ्रू जाते हैं तो 77 लाख का जो फ्लैट कॉस्ट है उसका अगर आप बुकिंग करते हैं हमारे थ्रू तो 30-40,000 का गिफ्ट वाउचर है स्ट्रेट, इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो बल्क में हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है, प्रॉपर्टी बेचने के पीछे जो हमें फ़ायदा मिलता है, उस फायदे को हम डायरेक्ट अपने कस्टमर से शेयर करते हैं दोस्तों। दूसरा जो 1.26 CR 2 BHK का है 600 स्क्वायर फुट वाले का, उसमें जो गिफ्ट वाउचर है हमारी ओर से 40-60,000 यानी 40-60,000 रुपये का स्ट्रेट गिफ्ट वाउचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो प्राइजिंग मैंने दिया है इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, अदर चार्जेस, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ लगेगा दोस्तों। हर एक प्रोजेक्ट में जब मैं कोई प्रॉपर्टी का वीडियो डालता हूँ तो अपने जो अनुभव है मेरा 10 से 12-13 सालों का, उसमें से एक एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि पब्लिक को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, जिससे उसको बेनिफिट होता है प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में। आज जो मैं बात करूंगा दोस्तों प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके, काफी सारे इन्वेस्टरों से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि कभी भी आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो जब प्रॉपर्टी लॉन्च होती है या कोई बिल्डर लॉन्च करते हैं तो उस टाइम आप प्रॉपर्टी परचेस करें, उसका RERA नंबर देख लें, बैंक का APF नंबर देख लें, बिकॉज आप ये समझ जाएं कि बैंक
आपको 80-90% फाइनेंस बैंक करती है। अगर आपको लोन नहीं लेना है तो अलग बात है, लेकिन जो लोग लोन लेते हैं तो बैंक 80-90% फाइनेंस लगाती है, 10% यूजर्स अपने जेब से लगाते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं, जो फ्लैट अपने रहने के लिए खरीदते हैं, वो 10-20% लगाते हैं, 80-90% बैंक लगाती है। तो बैंक जब कोई किसी के ऊपर फाइनेंस करती है तो वो पूरे तरह से डॉक्यूमेंटेशन चेक करती है और RERA में रजिस्टर्ड है, तभी वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट आप लॉन्चिंग पे ही कर दें, आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा और एक अच्छा टाइम भी मिलेगा कि पेमेंट धीरे धीरे आपको पे करने को आएगा। वन शॉट आपको 100% पैसा नहीं जाएगा, 5-5% करके जब तक बिल्डिंग कंप्लीट होगी धीरे धीरे जाएगा, तब तक उस पैसे को आप अपने बिजनेस में या आप FD कर सकते हैं, उसका बैठे बैठे आप उसका इंटरेस्ट खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पैसे को दूसरे जगह भी आप यूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे चला सकते हैं। जब लॉन्चिंग में प्रॉपर्टी आप परचेस कर लें, उसके बाद अगर आपको उस प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है तो जैसे वो प्रॉपर्टी का पोजीशन होता है, OC हो आता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद जैसे वो प्रॉपर्टी का पोजीशन की हैंडओवर होता है, तुरंत उसको निकाल दें दोस्तों, क्योंकि बाद में जरूरी नहीं कि वो सोसाइटी मेंटेन रहेगी। कई बार ऐसे को देखने को मिला है कि सोसाइटी अगर मेंटेन नहीं है, सेक्रेटरी चेयरमैन प्रॉपर अगर चुनाव नहीं हुआ है और सोसाइटी अगर ढीली है, एग्रेसिव नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट को मेंटेन नहीं होता, फिर बाद में प्राइजिंग कई बार ऐसे देखने को मिला है कि प्राइजिंग बढ़ता नहीं है, डाउन हो जाता है या फिर स्टक हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की लोकैलिटी कैसी है, लोगों की क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर भी काफी सारे कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है, उसमें भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कई बार मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, कई जगह हमारा देखा हुआ है कि लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद लिया और 5-5, 7-7 साल होल्ड कर दिए, 10-10 साल होल्ड कर दिए, होल्ड करने के बाद ऐसा पता चला कि वो सोसाइटी प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाई, जिसके कारण से जो प्राइस का हाइक उसमें उनको मिलना था सोसाइटी में वो मिल नहीं पाया। बाद में उन्हें कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट देखें तो 5-5, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए नुकसान करके प्रॉपर्टी बेच के निकलना पड़ा। तो इन सब चीजों सोसाइटी के चक्कर में पड़ने से पहले है, जैसे आप लॉन्चिंग पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कई इन्वेस्टर्स लोग ऐसे करते हैं कि लॉन्चिंग में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अभी तो RERA आने के बाद आप बीच में प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते बिफोर पोजीशन, तो एटलीस्ट पोजीशन होते ही तुरंत आप प्रॉपर्टी अनाउंसमेंट करते हैं, मार्केट में बेच दें, जो भी 20-30 लाख, 40 लाख कमाने को होता है वो कमा के आप निकल जाएंगे। बाद में सोसाइटी मेंटेन हो ना हो वो कौन देखता है, सोसाइटी मेंटेन होगी तो प्राइस हाइक होगा। उतने दिन में आप उस पैसे को वहां से सेल आउट करके उस पैसे को आप नेक्स्ट लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें, फिर इस तरह से जब आप पैसे को रोल कर देते हैं तो वो पैसा आपका कई गुना बढ़ जाता है, कई देखेंगे तो कई टाइम कम से कम 5 से 10 गुना 15 गुना वो पैसा आपका बढ़ जाता है, जब आप इस तरह के 3 से 4 प्रॉपर्टी में लॉन्चिंग और पोजीशन के प्रॉपर्टी में पैसे को आप जब घुमा देते हैं दोस्तों। ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कई सालों का जो मैंने आपको शेयर किया है। अब मैं एमिनिटीज की बात करता हूँ इस खंडेलवाल प्रोजेक्ट में, फ्यूजन में, कि एमिनिटीज इसमें पोडियम पे है, स्काई लॉन्च, 2B, 2 क्लब हाउस है इसमें, पूल साइड डेक विद कवाना, मल्टीपर्पज हॉल, एस्ट्रोनॉमी डेक, बारबेक्यू लॉन्च, इन्फिनिटी पूल, जिम्नासियम, स्पा, बैंक्वेट हॉल, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, रीडिंग एरिया, जैकूजी, योगा एंड मेडिटेशन जोन। कनेक्टिविटी की बात करूं दोस्तों तो 2 से 5 मिनट के अंदर आप बोरीवली वेस्ट मेट्रो स्टेशन, लिंक रोड, गोराई रोड, स्वामी विवेकानंद स्कूल, ऑर्चिड्स द इंटरनेशनल स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, मैक्सिस मॉल, मैक्सिस सिनेमा, अपेक्स हॉस्पिटल, फियोनिक्स हॉस्पिटल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, नीलम प्राइड होटल, बे व्यू, पनगट रेस्टोरेंट, गोराई बस स्टॉप, गोराई पुलिस स्टेशन, MHB पुलिस स्टेशन, वजीरा गणेश मंदिर, बस स्टॉप, ऑटो रिक्शा स्टैंड, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप, वेजिटेबल मार्केट, ये सब आप मुश्किल से 5 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं यहाँ से। 10 से 45 मिनट के अंदर आप बोरीवली स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, CP गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, SE इंटरनेशनल स्कूल, वीर सावरकर उद्यान, SK रिसोर्ट, महावीर नगर, रघुलीला मॉल, ओवेराय मॉल, डायमंड टॉकीज, सोना गोल्ड डिजिटल सिनेमा, संजय गांधी नेशनल पार्क, डी मार्ट, ऑस्कर हॉस्पिटल, अक्सा बीच, मड मार्वे बीच, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब आप 10 से 45 मिनट के अंदर ही रीच कर जाते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर जो मुंबई के मेन टूरिस्ट प्लेसेस और जगह है वो जैसे जीवदानी मंदिर, बसई किला, गोराई बीच, बेलंगनी बीच, वाटर किंगडम, SL वर्ल्ड, बुलोबर विपासना पेगोड़ा, घोड़बंदर रोड, दहीसर चेकनाका, बांडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, BKC, बांडावली सी लिंक, सिद्धि विनायक मंदिर, शिवाजी पार्क, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, तारापुर वाला एक्वेरियम, बानखड़े स्टेडियम, CST रेलवे स्टेशन, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, एलिफेंटा कैब्स, कुलाबा, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, ये सब जो मुंबई की फेमस चीजें हैं वो मैंने आपको बताया, जो आप इजीली रीच कर जाते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर, डिपेंड ऑन ट्रैफिक कि कितना देर आपको लगेगा, बट हार्डली आप 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं।
हमारी सर्विसेज की बात करूं दोस्तों, तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आती है हमारे पास, जो बैंक जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करती है, नीलाम करती है। वैसे भी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, मैं हमेशा अपने चैनल पे डालता रहता हूं। आप जिस तरह इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को हर महीने हर दिन देखते हैं, और उनके पास जब कोई अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तो वो हमें सामने से फोन करते हैं, विकास जी हमें सेल करना है, और देखता हूं 10-10, 20-20 लाख रुपए डिस्काउंट पर रहता है नॉर्मल मार्केट के प्राइस से। और न्यू लॉन्चिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जो लॉन्च करते हैं, तो लॉन्चिंग के टाइम पे अच्छा खासा उनका प्राइस डिस्काउंट रहता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट रहता है, तो कभी PLC डिस्काउंट रहता है। इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी हो या बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी हो या अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हो, मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी अपलोड करूं अपने चैनल पे, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो सबसे पहले आप खरीदें, उसका बेनिफिट लें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब से ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। अब इन दोनों नंबर पे आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट और किस टाइप का आपका प्रॉपर्टी चाहिए वो एक ब्रीफ में लिख के भेज दें। जैसे हमारे पास ऐसी आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी आती है तो मैं अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से 1-to-1 शेयर कर दूंगा, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आप उसका जल्दी से जल्दी बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद है और हमारे इन्वेस्टमेंट टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर उन्हें भी प्रॉपर्टी परचेस करना हो, तो पूरे ऑल ओवर मुंबई में हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टी में, तो अगर उन्हें भी प्रॉपर्टी परचेस करना हो तो वो भी देखें, वो भी हमें फ़ोन करें, हम उनको पूरी मदद करेंगे। दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेके टिल पोजीशन दिलाने तक अगर कुछ भी रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, बुकिंग रिलेटेड कोई भी काम रहेगा, तो मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे उनको प्रॉपर्टी दिलाने में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों फिर से आऊँगा नए प्रॉपर्टी के साथ, नए लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।